हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द टेबल डिलाइट्स। तो आज हम बनाएंगे आलू और बैंगन की ग्रेवी वाली सब्ज़ी। ये बनाने में बहुत ही आसान है और स्वादिष्ट भी। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये रेसिपी के लिए मैंने 150 ग्राम छोटी साइज़ के बैंगन लिए हैं और 3 मीडियम साइज़ के आलू। इनको मीडियम साइज़ में चॉप कर देना है। चॉप करके हमेशा मैं उसको पानी में रखती हूँ ताकि बैंगन की स्किन ज़रा सी भी डार्क ना हो जाए। तो अभी कुकर में 2 टेबलस्पून जितना ऑयल गरम करने रखेंगे। उसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच राई, सीड्स क्रैकल होने के बाद थोड़े से करी पत्ते, 1.5 छोटी चम्मच कसा हुआ लहसुन। लहसुन थोड़ा पक जाने के बाद उसमें ऐड करेंगे थोड़े मूंगफली के दाने, 1/2 छोटी चम्मच हींग, 1.5 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच धनिया जीरा का पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1.5 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा पसंद है तो थोड़ा लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा लीजिएगा। अब ऐड करेंगे 1 कप पानी, नमक स्वाद अनुसार ऐड करना है। अब इसमें आलू और बैंगन जो हमने चॉप करके रेडी रखे हैं वो ऐड कीजिए और लगभग 4 या 5 सीटी तक इसको पकने देंगे। कुकर ठंडा होने के बाद आप उसका लीड ओपन करके थोड़े पोटैटो को मैश कीजिए ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए, ये मसालेदार आलू बैंगन की सब्ज़ी रेडी हो गई है। इसको गार्निश करेंगे थोड़ा हरा धनिया और किसा हुआ नारियल के साथ। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है जिसे आप आधे घंटे के अंदर तैयार कर सकते हैं। इसको बाजरा रोटी या फुल्का रोटी के साथ एंजॉय कीजिए और खाने के पहले नींबू का जूस स्प्रिंकल करना ना भूलें।